यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे BGMI में यहाँ पे ये पहले मैप डाउनलोड नहीं हो रहे थे, 0.1 MB पे एक ही जगह पे रुके हुए थे, लेकिन मैंने इस ट्रिक को यूज किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है। अब यहाँ पे ये मैप्स डाउनलोड भी स्टार्ट हो चुके हैं। भाई बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया में आज सुबह से एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप्स है, यहाँ पे मेरे मैप्स सभी डाउनलोड है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे 0.1 MB पे एक ही जगह पे ये मैप्स सभी मैप्स रुके हुए हैं। अगर मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता हूँ तो ये डाउनलोड नहीं होते हैं, एक ही जगह पे रुके रहते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपके पास भी ये दिक्कत ये प्रॉब्लम आ रही है तो भाई ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, भाई इसको मैंने सॉल्व कर दिया है। भाई इस वीडियो को देखने के बाद ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो भाई आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करना पड़ेगा। अगर ये वीडियो आपके काम नहीं आती है तो भाई आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपको ये मैप कैसे डाउनलोड करने हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करनी। ठीक है, तो भाई इसके लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको अपनी जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है इसको आपको पूरी तरह से काट देना है, बैकग्राउंड से हटा देना है कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो भाई उसके बाद आपको क्या करना है, भाई आपको जाना है अपने फाइल मैनेजर पे, उसके बाद आपको जाना है फोन स्टोरेज पे, उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोल्डर मिल जाएगा एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड का आपको फोल्डर ओपन कर लेना है, उसके बाद यहाँ पे आपको एक और फोल्डर मिल जाएगा डाटा का, तो आपको डाटा का फोल्डर ओपन कर लेना है। तो उसके बाद यहाँ पे आपको एक फोल्डर ढूंढना है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं com.pubg.imobile। ठीक है, आपको ये वाला फोल्डर ढूंढना है, उसके बाद आपको इस फोल्डर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल्स का फोल्डर ओपन कर लेना है, फाइल्स का फोल्डर ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक और फोल्डर मिल जाएगा UE4 Game। ठीक है, आपको इसको ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको यहाँ पे एक और फोल्डर मिल जाएगा शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा पे, इसको आपको ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे एक और फोल्डर मिल जाएगा शेडो ट्रैकर एक्स्ट्रा, आपको इसको भी ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको फिर फोल्डर मिल जाएगा सेव्ड का, आपको इसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे आपको एक और फोल्डर ढूंढना है पैक्स का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला पैक्स का फोल्डर है, आपको इसको ओपन कर लेना है। भाई उसके बाद यहाँ पे आपको इस पैक्स के फोल्डर पे आपको तीन फाइल्स मिल जाएगी गेम पैच नाम की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लगातार गेम पैच लिखा होगा, तीन फाइल्स होगी, आपको ये सिलेक्ट कर लेनी है। भाई आपको ध्यान रखना है कि आपको ये वाली तीन फाइल्स ही सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अगर कोई आप और फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, आपको ये वाली गेम पैच वाली तीनों फाइल सिलेक्ट कर लेनी है, उसके बाद आपको ये फाइल्स डिलीट कर देनी है। ठीक है भाई, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि भाई आपको ये तीनों फाइल्स ही डिलीट करनी है, उसके अलावा आपको कोई भी फाइल डिलीट नहीं करनी है, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो भाई आपको ये तीनों फाइल्स डिलीट कर देनी है गेम पैच नाम की। तो उसके बाद भाई आपको क्या करना है, आपको अपने जो बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया का गेम है आपको उसको ओपन कर लेना है। तो भाई उसके बाद जैसे ही आपकी ये BGMI गेम कंप्लीट से ओपन हो जाएगी तो भाई आपको अपने मैप्स ओपन कर लेने हैं। तो भाई जैसे ही आपके ये मैप्स ओपन होंगे तो भाई आप यहाँ पे देखेंगे जो जो आपने मैप डाउनलोड किए हुए थे वो पूरी तरह से स्वस्थ है, पूरी तरह से सेफ है। पहले यहाँ पे ये जो प्रॉब्लम आ रही थी 0.1 MB की वो गायब हो चुकी है, वो सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद अगर आप कोई भी मैप डाउनलोड करने की कोशिश करते हैं तो ये सही से डाउनलोड हो जाएंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले 0.1 MB की प्रॉब्लम आ रही थी, एक ही जगह पे रुके हुए थे, कोई भी मैप डाउनलोड नहीं हो रहे थे, अब ये प्रॉब्लम पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी है, ये आपके सामने प्रूफ है। ठीक है, तो भाई कुछ इस तरीके से जो आपके सामने ये दिक्कत आ रही थी 0.1 MB एक जो कि एक ही जगह पे रुका हुआ था, जो आपके मैप डाउनलोड नहीं हो रहे थे, कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। भाई अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है मुझे कॉमेंट या फिर इंस्टाग्राम पर DM कर दीजिए, मैं आपको उसी टाइम रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, तो भाई इसी तरह आप देख सकते हैं ये आपके सामने शॉर्ट इस इन्फॉर्मेशन। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो में से कुछ भी अच्छा लगा है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना।